हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुनंदा मैनी एंड आई एम गोइंग टू टेक अपन ऑफ योर राइटिंग स्किल्स टूडे दैट इज रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कोई चीज आपने देखी है उसके बारे में आप लिखोगे रिपोर्ट करना उसको जो चीज हो चुकी है सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इट हैजू बी इन पासेंस क्योंकि ये उस चीज के बारे में है जो हो चुकी है सो so, इसका एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है सबसे ऊपर हेडलाइन या टाइटल होता है जो कि बहुत ही ब्रीफ और कैची होता है सो दैट इज अबाउट अ फ्रेज ऑफ अबाउट थ्री टू फोर वर्ड्स मे बी टू वर्ड्स देन इट सम वॉट इज़ टू फॉलो वो दो से लेके चार चार्ड्स का एक फ्रेज होता है जो ये सम अप करता है कि हम किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं और फिर लिखने वाले का नाम होता है उसके रैंक या पोजीशन भी हो लिख सकते हो जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा के पहले हेडलाइन होती है और फिर नीचे लिखने वाले का नाम होता है और उसके बाद लिखा होता है स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट हेड कॉरस्पॉन्डेंट यानी कि आपकी डेजिगनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जिसके लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है न रिपोर्ट्स बेसिकली जो हमारे सिलेबस में हैं ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में हैं वो दो तरह की रिपोर्ट्स हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट दोनों की हेडलाइन या टाइटल लिखने के बाद लिखने वाले का नाम लिखा जाता है और फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है नाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में और स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट में सिर्फ इतना सा फ़र्क रहता है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप डेट और जगह पहले लिख देते हैं स्कूल मैगज़ीन में ये चीज़ फर्स्ट लाइन में ही इनकॉर्पोरेट होती है उसमें ही बताया जाता है और उस ओपनिंग पैराग्राफ में एक ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपन्ड क्या हुआ था यानी कि यह रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है वेयर कहाँ हुई थी कब हुई थी एंड हाउ उसके बाद हाउ वो कैसे हुआ उसे डिस्क्राइब करना है सो द फर्स्ट लाइन हैज़ टू बी द आंसर टू द क्वेश्चंस व्हाट वेयर न क्या हुआ कहाँ हुआ कब हुआ उसके बाद कैसे हुआ और फिर उसकी डिटेल्स देंगे आप उस आ, उसके बाद और फिर कंक्लूजन है लास्ट में आके आप कोई एक लाइन या दो लाइंस ऐसी लिखेंगे जो उस पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करेगी एंड करेगी और उसमें आप उस इंसिडेंट अगर किसी इंसिडेंट के बारे में है तो उसका कोई रीज़न बता सकते हैं उसके लिए कोई अपील कर सकते हैं उसके लिए कोई वार्निंग दे सकते हैं या उसके बाद क्या हो सकता था या कैसे उसको नहीं हम कर सकते थे ऐसा कुछ रिमार्क लिख के आप इस पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करेंगे नाउ अस लुक एट वन सच एग्जांपल। एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आया है

एंड ये वर्ड लिमिट इज अबाउट्रेड वर्ड लिमिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकती है इट कैन बी वन ट्वेंटी इट कैन बी वन फिफ्टी वर्ड्स ऑल्सो सो यू है सबसे ऊपर हेडलाइन लिखेंगे टाइटल लिखेंगे फायर एक्सीडेंट फिर लिखने वाले का नाम बाय लक्ष्मी ये हम न्यूज पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं सो ऊपर जगह का नाम ये कहाँ हुआ कब हुआ डेट लिख दी हमने सो फर्स्ट लाइन इज योर आंसर टू वॉट वेयर एंड वेन लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार को कब क्या हुआ अ ह्यूज डिवास्टेटिंग फायर ब्रोक आउट इन सीमापुरी स्लम क्या हुआ एक आग लगी थी ह्यूज आग लगी थी कहाँ लगी थी इन सीमापुरी स्लम एरिया सीमापुरी के झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में सो योर फर्स्ट लाइन इज योर आंसर टू द थ्री क्वेश्चन वट वेयर वेन कब कहाँ क्या पिछले शनिवार को क्या आग कहाँ सीमापुरी एंड देन गो ऑन टू डिस्क्राइब हाउ कैसे वो सारा घटना कैसे घटी थी सो द हाउस इज मेड ऑफ मड इन स्लाम एरिया वर ऑन फायर सो जितने मिट्टी के घर बने हुए थे झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी सब में आग लग गई अवज क्लाउड ऑफ स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम दैट एरिया स्मोक का धुएँ का बादल वहाँ से उड़ रहे थे विद इन मिनट्स द फ्लेम्स बिगैन टू एनगल्फ द होल एरिया कुछ मिनटों के अंदर ही आग पूरे एरिया में फैल गई द पीपल व कॉट अन अवेयर लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और एकदम से वहाँ आग लग गई आउट ऑफ शेयर पैनिक सिर्फ उस डर से कि वो आग में आग की लपेट में ना आ जाए दे स्टार्ट थ्रोइंग वाटर एंड सैन अवेलेबल इन द वेनिटी ऑफ द फायर वो पानी और मिट्टी उठा के उस आग में फेंकने लगे बट ऑल इन वेन किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ द हाई सर्फिस विंड्स ऑफ द समर वी अदर रीजन दैट कॉज द फायर टू स्प्रेड क्विकली जो हवाएं चल रही थी समर्स की उसकी वजह से आग और फैलने लगी सून द फायर ब्रिगेड अराइव्ड एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन विज्ञान एकदम से फिर फायर ब्रिगेड आ गई और उन्होंने लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया इट टुक नियरली फोर आवर्स टू पुट आउट द फायर उन्हें चार घंटे लग गए उस आग को बुझाने में ऑल दी पीपल ट्रैप्ड इनसाइड द लोकेलेटी वर सेफ जितने लोग उस लोकेलिटी में फंसे हुए थे आग में सबको उन्होंने सेफली बाहर निकाल दिया इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा करनी है तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस बहुत तेज़ करे और उसी टाइम पांच-छह फायर ब्रिगेड्स वर प्रेस्ड इनटू सर्विस लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर रह गए जिसमें कि चार औरतें और दो बच्चे थे जो अपने घरों में ही जल के रह गए उनके औरतों के नाम लिख सकते हैं आप बच्चों के नाम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि उनकी सारी बिलोंगिंग्स जो थी वो जल गई अगर आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ानी है इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे के आप उसको बढ़ा सकते हैं अ शॉर्ट सर्किट इज़ सेट टू बी द कॉज ऑफ़ द फायर शॉर्ट सर्किट मीन्स कुछ ही तारों की लीकेज होने से करंट फैलने से आग लगी थी यही शायद एक कारण था ये कंक्लूडिंग लाइंस हैं जिसमें आप पूरे इंसिडेंट का रीजन बता रहे हैं एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन आर ऑन टू असर्टन ऑफ़ दिस प्लेस पुलिस इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि वहाँ पे आग क्यों लगी इस तरह से आप इस रिपोर्ट को एंड कर सकते हैं इसका रिमार्क भी दे सकते हैं इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि द नेग्लिजेंस ऑफ वन ऑफ द रेजिडेंट्स हु वॉज स्मोकिंग एंड हैड थ्रोन अ सिगरेट इन वन ऑफ द हटमेंट्स इज़ सपोज टू बी द रीज़न फॉर फायर कि कोई एक इंसान जो सिगरेट पी रहा था उसने जलती हुई सिगरेट का बट अपनी झुग्गियों की तरफ फेंक दिया जिससे आग लग गई ये एक कारण था आग फैलने का और ऐसी नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस ऐसी केयरलेसनेस को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को हम रोक सकें अवॉइड कर सकें सो सच नेग्लिजेंस शुड बी अवॉयड टू अवॉइड सच ट्रेजिक इंसिडेंट्स या आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं दट द डिप्टी कमिश्नर या द डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस रीच्ड द स्पॉट एंड कंपनसेट द विक्टम्स बाय अनाउंसिंग एंड एक्सग्रेसिया अमाउंट ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू ई ऑफ द फैमिलीज सो कुछ भी या हमने वो रिवॉर्ड अनाउंस करके उसको एंड कर सकते हो रीज़न दे के एंड कर सकते हो किसी भी तरह से हम इस रिपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं सो दिस इज़ द वे टू राइट अ रिपोर्ट एंड द ओनली डिफरेंस वाइल राइटिंग अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड अ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट इज द मैंशनिंग ऑफ द डेट एंड प्लेस The mentioning of date and place for newspaper reports is before we start writing, whereas in the school magazine report, it is incorporated within the first line. So, that's all about the report writing. I'll be back with the next writing skill in my next video very soon. Thank you.